24 इयर्स का हूँ, कभी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार मास्टरबेशन कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से मेरा प्राइवेट पार्ट टेढ़ा हो गया है। क्या शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से संतुष्ट कर पाऊंगा? ये क्वेश्चन आया है मेरे पास कमेंट सेक्शन में, और आज इस बारे में बात करेंगे कि क्या अगर आपके लिंग का साइज टेढ़ा हो गया है, आपका लिंग टेढ़ा हो गया है, तो क्या आप सेक्स कर पाएंगे? क्या ये मास्टरबेशन की वजह से हो रहा है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ लिंग के टेढ़ेपन के बारे में, और क्या एक्चुअली मास्टरबेशन की वजह से हो रहा है, और आप बाद में आपकी वाइफ डेफिनेटली कंप्लेन करने वाली है। पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आ पाएगा, और क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर। तो चलिए, मैं बात कर रही थी लिंग के टेढ़ेपन के बारे में। सबसे पहले मास्टरबेशन समझिए। मास्टरबेशन और सेक्स इज एक्चुअली सेम थिंग। अब आप ये समझिए कि जब आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो बहुत बार आप बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप करते हैं, जिसकी वजह से आपका लिंग टेढ़ा लग रहा है आपको, या इफेक्टेड लग रहा है। तो पहला जो सबसे बड़ा मिथ है कि किसी का भी लिंग 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, सबसे बड़ा डाउट ये है। मैंने अपने लाइव सेशन में भी इसे बहुत ज़्यादा क्लियर किया था, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा था 90 डिग्री जो आप पॉन्स में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं, दैट इज एग्जैक्टली नॉट राइट। हर किसी का थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट होता है। इससे आपके सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बच्चा नहीं कर पाएंगे और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरा बड़ा जो डाउट है कि मास्टरबेशन करने से मेरा लिंग इधर उधर हो गया है, या साइज छोटा हो गया है, या टेढ़ा हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक ही बात समझने की जरूरत है कि अगर आप प्रोन मास्टरबेशन करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गद्दे के ऊपर करते हैं या फिर उल्टा होके करते हैं, तब आपको ऊपर नीचे या टेढ़ा होने के चांसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप सेक्स नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट राइट। आपके इरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप जो टेढ़ापन की प्रॉब्लम लेकर आए हैं उसको मैं यहाँ सॉर्ट करती हूँ। लेकिन अगर ये टेढ़ापन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम आती है, या फिर और तरह की पोजिशंस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम पायरोनिस डिसीज कहते हैं, जिसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन अगर माइनर से टेढ़ापन से आप परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा सेक्स लाइफ बाद में एंजॉय कर पाएंगे। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, तो कि जब मैं पायरोनिस डिजीज की वीडियो लाऊंगी वो आप तक पहुंचनी चाहिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है, और पर्सनलाइज सेशन के लिए www.drnehamehta.com।